know about the functions of the medulla oblongata. Now the medulla oblongata functions is essential. Again, exam point of view, you have to focus more on the functions of that medulla oblongata. Now, as this medulla oblongata having the vital centers which are essential for the life, such vital centers कौन कौन से भी, पहला है कार्डियक सेंटर, जहां पर हार्टबीट इनिशिएशन रेगुलेशन ऑफ द हार्टबीट कंप्लीटली कंट्रोल होता है. सेकंड इज द रेस्पिरेटरी सेंटर, सच रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट, दैट मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फास्ट करना है, कम करना है, नॉर्मल स्टेट पर लाना है, ओके. रनिंग स्टार्ट होते तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, लाइक दिस. वैसोमोटर सेंटर, अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, इट इज टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. तो सच वाइटल सेंटर, दैट इज अ कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, एक हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन रेट रेगुलेट करेगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मींस बीपी रेगुलेट करेगा. So these are the essential, vital for the life. So when there is a little damage to the medulla oblongata, block the centers, heart activities get suddenly stopped. So ultimately, you know, the whenever the heartbeat stops, it is the actual clinical death, and therefore may be asked in an exam. Little injury to the medulla oblongata causes sudden death. Okay. तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस इसेंशियल वन ऑफ द वाइटल सेंटर्स दिस गेट ब्लॉक. जब भी किसी पर्सन को फांसी दी जाती है, हैंग किया जाता है, तो उसी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को ही टारगेट किया जाता है ताकि झटके में वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए. नो नेक्स्ट इज दी इट ऑल्सो रेगुलेट दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इसोफेगस टू कन्वे दी फूड बोलस, अन्नाचा गोळा, फूड बोलस फ्रॉम आफ्टर दैट सलोइंग. It carries up to the stomach by that wave-like movement of the esophagus. It is again controlled by the medulla oblongata. Then the secretion of saliva, regular secretion again. So all these are the vital centers are located in the medulla oblongata, controlling such vital activities. Along with that, such essential activities, there are these some non-vital centers are also there and controlling such non-vital activities like omitting. उल्टी आना, किसी को अगर अल्टीमेटली वोमिटिंग हो रहा है तो हम पीछे से सहलाते उसको, दैट इज टू काम डाउन सच सेंटर्स. देन द स्नीजिंग, छींकना, फोर्सफुल एक्सपेलिंग ऑफ द एयर, छींकना, कुछ पार्टिकल अंदर चला गया नजल कैविटी में, तो उसको बाहर करने के लिए जो रिएक्शन होगा दैट इज अल्टीमेटली एक्चुअल स्नीजिंग. देन द कफिंग, सिक्रीशन ऑफ द एक्सेसिव कफ, अगेन कंट्रोल बाय दैट मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. देन द हिक्यूपिंग, हिचकियाना, एज वेल एज यावनिंग, हाँ, जांभई देने जोर से, ओके, दैट इज कंट्रोल बाय मींस ऑफ दैट मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. इट इज कॉल्ड दैट यावनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन. व्हेनेवर देयर इज लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और द ब्रेन, देन दैट यावनिंग एक्टिविटी ऑकर्स, ओके. एंड देयरफॉर damage to this such medulla oblongata blocks such vital centers and causing the sudden death. And again, that medulla oblongata continue as a spinal cord, and therefore it carries the impulses towards the brain, away from the brain, forward, that means upward towards the brain, downward through this medulla oblongata, and ultimately because of the crossing of the nerve fibers, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी. नो हियर इट आल्सो हैविंग द दैट सेंटर्स और द न्यूक्लियर, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा अगेन हैविंग द न्यूक्लियर, बंचेस ऑफ द सेटॉन्स फ्रॉम व्हिच कम्स आउट द क्रैनियल नर्व्स व्हिच नंबरिंग 8 to 12, दिस कम्स आउट फ्रॉम दिस मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. ओके, इट इज अबाउट द entire functions of the medulla oblongata, and you have to concentrate more on the functions of that medulla oblongata. Okay.
Now it is the completion of the brain structure.